जाएंगे, वहाँ मरने के लिए जाएंगे, फांसी लगाएंगे। नहीं ना, फांसी नहीं लगाना है, ग्रेजुएशन करना है। जो तीस साल लगता है वो लोग, आप लोग 6 साल में ग्रेजुएशन कम्प्लीट तक नहीं करवा रहे। बच्चे लोग क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे बाद में जाकर, और कुछ करने वाले नहीं है। अगर ऐसा चलते रहेगा ना, हम बता नहीं रहे कि अग्निपथ से भी ज्यादा भयंकर होगा। बाहर से आदमी, मतलब बच्चे सब पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है, बहुत बच्चे बाहर से आकर पढ़ते हैं, उन लोग के साथ ऐसा हो रहा है। उन लोग क्या करेंगे, सुसाइड कर रहे हैं। लास्ट में आपको यहाँ इस जगह पे अगर आपके बच्चे रहते, जितने मिनिस्टर है ये लोग के बच्चे रहते, तो आप लोग क्या करते, उन लोग को क्या करते, आप लोग बाहर भेज देते पढ़ने के लिए। ऐसे तो हम लोग जैसे भुगतते नहीं ना कोई भी। आप लोग क्या चाहती है, ये कौन बात यार, एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, सब नीचे स्कूल पर बैठ जाए, चाय बेचे। अगर सब चाय बेचेगा, सब अगर चाय बेचेगा, पीएगा कौन, पीने के लिए भी तो आदमी चाहिए। आप लोग क्या सुन नहीं रहे कि गांव में रुई, बड़ा वाला मोटा वाला रुई डाले हुए हैं। आप देख रहे हैं ना अग्निपथ में ऐसे हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही सिचुएशन होगा। अगर आप लोग अभी नहीं सुनिएगा, सेम सिचुएशन ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि बच्चे लोग ना बहुत मतलब नॉर्मली से पेश आ रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि बच्चे लोग को बोलने नहीं आता है, या वो लोग लड़ नहीं सकते हैं, झगड़ नहीं सकते, पढ़ नहीं कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, कर नहीं रहे, क्योंकि वो लोग शांत स्वभाव के हैं, वो लोग शांति से अपनी बात को रखने जा रहे हैं, पर आप लोग के कान में आवाज नहीं जा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताइए। रुई निकालने के लिए लगता है हम लोग को भी अपनी बच्चे ऐसा जलाना पड़ेगा, सब जलाना पड़ेगा। क्या बच्चे लोग मर रहे हैं, क्योंकि 6 साल से ग्रेजुएशन होने में लगता है, तो और बच्चे पढ़ाई कैसे करेगा, पढ़ाई करने के लिए कितना और दिन देगा। और अरे फैमिली मेंबर, आपके फैमिली वाले कितने दिन तक बेटी को लेकर रखेंगे सिर पे, वो तो बोलेंगे क्या, तो बोझ होते जा रही है। वो लोग तो सोचेंगे नहीं ना कि ग्रेजुएशन करने में लोग को लेट लग रहा है, बट वो लोग सोचेंगे क्या बेटी को ही यहाँ पढ़ने में डिस्टर्ब है। बेटी पढ़ नहीं रही अच्छे से, क्योंकि बेटी ऐसे तो बिहार में बेटी का संख्या और कम है, बेटी को पढ़ाती नहीं है। तो सोचेगी क्या कि बेटी को पढ़ाई नहीं आ जाएगी, पढ़ती नहीं है, सारी दिन उसको बता देंगे। अरे कुछ तो कीजिए, शर्म रहना चाहिए आप लोग को। बस आप लोग को क्या है, बस आप लोग को क्या मतलब चाहिए, पूल, बस पूल चाहिए, पूल में चढ़िएगा, नया अपार्टमेंट बनाइएगा, मगध यूनिवर्सिटी का क्या पटना में बना, क्या बना, क्या करेंगे, वहाँ मरने के लिए जाएंगे, फांसी लगाएंगे। नहीं ना, फांसी नहीं लगाना है, ग्रेजुएशन करना है। जो तीस साल लगता है वो लोग, आप लोग 6 साल में ग्रेजुएशन कम्प्लीट तक नहीं करवा रहे। बच्चे लोग क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे बाद में जाकर, और कुछ करने वाले नहीं है। अगर ऐसा चलते रहेगा ना, हम बता नहीं रहे कि अग्निपथ से भी ज्यादा भयंकर होगा।